very full nonsense. So hi guys, this is Jay and welcome back to my YouTube channel. Almost 15 से 20 दिन के बाद ये जो दर्शन हो रहे हैं ना यहाँ पे, भाई साहब धन्य हो भाई तुम्हारे लिए। बड़ी मुश्किल से आए तुम, पूरा एरिया खुश हो गया क्योंकि काम करने में अब आसानी होगी। बारिश ने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था भाई। अभी अभी मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पे जो हमारा पानी वाला रास्ता है, पनियारा वाला, वो टूट गया। तो अभी यहाँ देखने आया था। रास्ते की बहुत बुरी हालत है, इंसानों के लिए ही चलने के लिए होगा, जानवरों के लिए नहीं हो पाएगा। तो ये हर बार की बात है, यहाँ पे रास्ते टूटते रहते हैं, चाहे कोई नया रास्ता बने चाहे पुराना। तो दिखाता हूँ आपको, काम भी करवाया था। तो अब यहाँ से आते वक्त ये देखो, यहाँ से इतना रास्ता बचा हुआ है। मैं अंदर की साइड हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कितना खतरनाक वाला माहौल है यार। यहाँ से टूट गया यहाँ तक, और यहाँ देखो ये खाली इतनी सी जगह बची हुई है, बल्कि इसको जाने में भी, इसमें जाने में भी दिक्कत है। ये अब ये झाड़ियाँ वगैरह हैं, कोई अगर फंस गया ना तो इसके नीचे चले जाएगा सीधे इस नाले में, पानी वाला धारा। तो अब यहाँ से जो धारा आ रहा था ना, इसने पूरा तोड़ दिया। ये देखो यहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया बिल्कुल। प्रशासन से कोशिश कराऊंगा जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को हम बनाएंगे, और यहाँ पे मैं एक पुल टाइप का बनाऊंगा जिससे कि पानी का एक अच्छा सा बंदोबस्त हो सकता है। तो देखूंगा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश रहेगी, और रास्ते को भी अच्छे से बनाने की कोशिश रहेगी। तो इसे दिखा देता हूँ, ये देखिए 20 से 30 फीट नीचे तक टूट गया ये। आज धूप काफ़ी खिली हुई है और ऊपर का मत साइड थोड़ा सा बादल वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अच्छा है। फिर भी आपको पहाड़ों में बताते रहता हूँ कि कैसी हालत होती है पहाड़ों की। कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता है कब क्या टूट जाए, खासकर ऐसे बारिश के मौसम में। बहुत दिनों बाद धूप आई है तो राघव कह रहा है मेरी मालिश करो। अब इसकी अच्छे से मैं मालिश करता हूँ दोनों हाथ से। इससे क्या होता है, इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत तगड़ा हो जाता है, तो बच्चों की बॉडी में काफ़ी ग्रोथ आता है। मज़ा आ रहा है। अच्छा, गर्म हुई है अभी 6 महीना नहीं हुआ, नहीं तो मैं इसके बाल वगैरह बनवाने थे ना इसके, तो 6 महीना पूरा हुआ नहीं। तो 6 महीने के बाद फिर एक बार कटवाते हैं, कुछ इस टाइप का रिवाज है यहाँ पे। तो इसके बाल मतलब सीधे होती नहीं यार, ऐसे के ऐसे रहते हैं, चाहे तो आप कुछ भी कर लो। मैं तो वैक्स भी लगाया था पर फर्क नहीं है भाई कुछ। काफ़ी लोग परेशान हैं जब से वो ऋषिकेश वाला जो कांड हुआ है ना, अंकिता भंडारी वाला, तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है। और इतनी घटिया हरकत शायद कोई जानवर भी नहीं करता होगा। हल्की नींद आ रही थी, फोन आया कोई लेने भी आया। तो गांव में अगर रहते हो तुम, तो तुम अगर तुम्हारे पास बाइक है तो भाई तुम चैन से नहीं बैठ सकते। किसी भी टाइम कोई भी बोल सकते मेरे साथ वहाँ चल, और आपको जाना ही पड़ेगा। वाह, तो ये अपना काम करता है खाली, ठीक है। आजकल अभिषेक की माँ भी बहुत खुश है। कैसा लगा आपको बेटा जब कमा के लाया पहले हैं? ठीक लगा कमा? बहुत बढ़िया लगा। चलो ठीक है, तो 4 महीने में 4 लाख रुपए कमा के लाया अभिषेक। चल भाई डुगू, तू भी व्यस्त रहती है, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, चलो चलते। तो चाचा जी गए थे घंडियाल गांव, तो उनको लेने जाने दीन गांव तक। घंडियाल गांव से दीन गांव तक तो पैदल आ गए, कह रहे हैं यहाँ तक आओ, तो उनको लेने जाना है अभी। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे आया था खम्भाघाल से 1 किलोमीटर पीछे, और यहाँ पे देखो जरा क्या खतरनाक टूट रखा है यार। जो यहाँ पर हमारे ताव जा चुके हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कर लीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दो, ओ वीडियो को कमेंट क्या बोलना चाहते हैं भेजी के क्या बोलना वेरी फुल नॉनसेंस। तो ये सिखाया है इसने चाचा को वेरी फुल नॉनसेंस नहीं तो क्या है ये पापा का काम निकल गया किसका काम है I am your father. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई your father. I am your father. But your very full nonsense. हम्म 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 जनवाला बटमन लेकिन होट बन गया आपको अब इससे भी होगी बात चाचा हैं कब कब है चलना है कल आ रहे हैं बड़े मारा नहीं मदर व्हाई यू आर ग्रैंड मदर लेकिन बट बट मदर वेयर इज योर ग्रैंड मदर बट योर मदर तेरी माँ का I am home ये पता ही ये होम 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 से घर हाउस में से हाउस हाउस में से घर हाउस में से और ये रूम रूम से कमरा हमारे ताऊ को आई इंग्लिश कहाँ से तो गाइस बारिश होना फिर से स्टार्ट हो गया है इस बारिश ने बहुत परेशान कर रखा है आजकल गाइस 8 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी घोटपुर क्योंकि वहाँ पे शादी है दोस्त की तो जो हमारे प्रधान जी रहते हैं साथ में उनके चाचा के लड़के की शादी है तो हमारा भी दोस्त है भाई भी है तो वहाँ चलते हैं शादी में और इन्जॉय करते हैं आपको भी दिखाते हैं हमारे घर में अरे गरीब आदमी के घर में तो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ और रात के बज रहे 11:30 खाना वगैरह खा के सबसे मिलके अभी मैं घर आ गया हूँ आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर देना तो बाय टेक केयर।